पिछले साल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान देश को एक ऐसा प्लान अंबानी ने दिया जो आज तक लोग यूज कर रहे हैं। कुछ पैसा लगाकर लगातार फ्री इंटरनेट और फ्री कॉल की सर्विसेज यूज की जा रही हैं। लेकिन अब अगली एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह फ्री सर्विसेज खत्म नहीं होंगी। फिलहाल रिपोर्ट्स यह हैं कि आने वाले समय में यानी AGM में 21 जुलाई को जो तय है उसमें कंपनी ₹500 का 4G स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। यह खुद में चौंकाने वाली रिपोर्ट है, क्योंकि ₹500 में आप किसी अच्छे फोन की कल्पना तो नहीं कर सकते हैं। ET की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने पहले से ही चीनी कंपनी को ₹500 के 4G LTE वाले स्मार्टफोन बनाने का ऑर्डर दे दिया है। आने वाले समय में यानी AGM के दौरान कंपनी ₹500 के 4G स्मार्टफोन के साथ ही कुछ दूसरे ऐलान भी कर सकती है, यानी फ्री सर्विस को एक्सटेंड करना या फिर कोई नई सर्विस लॉन्च करना। फिलहाल यह साफ नहीं है कि वो 4G फोन सिर्फ रिलायंस जियो के साथ ही चलेगा या फिर दूसरे सिम के साथ काम करेगा, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वो स्मार्टफोन लॉक्ड होंगे यानी सिर्फ उसमें रिलायंस जियो के सिम ही काम करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने लाइफ के नाम से कई 4G स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। आपको यह भी याद होगा कि जब रिलायंस ने जियो की शुरुआत की थी तो तब जियो सिम सिर्फ लाइफ के स्मार्टफोन के साथ चलते थे, लेकिन बाद में इसे दूसरे स्मार्टफोन के लिए भी शुरू कर दिया गया। वैसे ही उम्मीद की जा रही है कि शुरू में रिलायंस जियो के 4G फोन सिर्फ जियो के सिम के साथ ही चल सकते हैं। फिलहाल यह साफ नहीं है कि इस 4G LTE स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन क्या होंगे, लेकिन इतना माना जा सकता है कि ये काफ़ी बेसिक होंगे और उसमें कुछ 4G LTE के अलावा कुछ ज़्यादा फीचर्स तो देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि इससे पहले भी एक रिपोर्ट आ रही थी जिसमें कहा गया था कि कंपनी ₹1000 के 4G LTE फोन लॉन्च करेगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। इसलिए आप इस ₹500 के 4G LTE फोन का इंतज़ार करेंगे या नहीं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है।